नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं धीला लंडॉप। जोकर तगड़ी फैन फॉलोइंग वाला एक कल्ट कैरेक्टर जिसने क्रिस्टोफर नोलन की तूफानी हिट फिल्म दी डार्क नाइट में कहर ढा दिया था। इस कैरेक्टर की जिंदगी पर अब फिल्म आ रही है, नाम वही है जोकर। 4 अक्टूबर को रिलीज होगी। इससे पहले 31 अगस्त को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म का प्रीमियर हुआ। यहाँ शो खत्म हुआ और लोगों ने फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। कितनी देर तक? 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, पूरे 8 मिनट तक। 8 मिनट तक लगातार लोग खड़े होकर के तालियां बजा रहे थे। तो ऐसा क्या है इस फिल्म में? जोकर को लेकर के काफी बज है वर्ल्ड लेवल पर। प्रीमियर के बाद फिल्म को क्रिटिक से भी अच्छा रिव्यू मिल रहा है। लोगों के मन में जोकर के रूप में हीथ लेजर की छवि बसी हुई है। उसे मैच कर पाना एक चैलेंज है। इस चैलेंज को निभाने में जैकविन फीनिक्स काफी हद तक सफल नजर आ रहे हैं। क्रिटिक्स के मुताबिक फीनिक्स ने जोकर की सनक को इमोशन और दर्द के साथ बखूबी निभाया है। अब क्या कहानी है इस फिल्म की? फिल्म में लीड कैरेक्टर जोकर है। ये फिल्म जोकर की जिंदगी के बारे में बताती है। फिल्म कहानी बयां करेगी कि बुरे और क्रूर लोगों के बीच जोकर को कैसे संघर्ष करना पड़ा, किन हालात की वजह से एक जोकर को विलन बनना पड़ा, वो सनकी और बुरा इंसान कैसे बना, उसकी कहानी, उसके दुख दर्द दिखाएगी ये फिल्म। कुल मिलाकर के ये फिल्म जोकर की लाइफ की बैक स्टोरी बताएगी। जैकविन फीनिक्स ने इस फिल्म के लिए 23 किलो वजन घटाया है। अपनी तुलना पर जैकविन कहते हैं, मैं सिर्फ कैरेक्टर को अपने हिसाब से अप्रोच कर सकता था और मैंने ऐसा ही किया। मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो थोड़ा यूनिक हो और ईमानदार हो। फिल्म में उनके अलावा रॉबर्ट डिनेरो, जैजी बीट्स, ब्रेट कुलेन, डगलस हॉस और डांटे ओल्सन जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्टर टोड फिलिप्स ने डायरेक्ट किया है और फिल्म का अनुमानित बजट 5.5 करोड़ अमेरिकन डॉलर है। 2008 में फिल्म द डार्क नाइट आई थी। इसमें बैटमैन सुपर हीरो थे और जोकर विलन थे। फिल्म में हीथ लेजर ने जोकर का रोल किया था। इस फिल्म में जोकर का कैरेक्टर खूब फेमस हुआ। इस फिल्म के बाद बैटमैन के बराबर ही जोकर की फैन फॉलोइंग हो गई थी। इस फिल्म के बाद हीथ लेजर की मौत हो गई और जोकर का कैरेक्टर आइकॉनिक बन गया। कई फिल्में आई, कई एक्टर्स ने जोकर का रोल किया लेकिन पॉपुलर नहीं हो सके। 2016 में साइंस फिक्शन फिल्म सुसाइड स्क्वाड आई थी जो सिर्फ विलन्स पर बेस्ड थी। इसमें जोकर का लंबा चौड़ा और दमदार कैरेक्टर था, साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड हार्ले क्विन, दोनों पूरी तरह सनकी, दोनों की खूब केमिस्ट्री, लेकिन लोगों को जमा नहीं। अभी तक जिन फिल्मों में जोकर का रोल रहा है उसमें उसका सनकीपन देखने को मिला। बेतुके क्राइम और सनकीपन की वजह से ही जोकर फेमस हुआ। हीथ लेजर के फैंस को ये फिल्म कितना खुश कर पाती है ये तो 4 अक्टूबर को ही पता चलेगा। 4 अक्टूबर को ये फिल्म भारत समेत दुनिया भर में रिलीज होगी। क्या आप इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल धीला लंडॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।